मेरे आका दा विशाल जहरी होया जो मेरे नबी ने जहरी पर्दा फरमाया मेरे आका दे गुलाम बड़ा रोंदे ने मेरे नबी दी जुदाई अंदर किते हजरत अबू बकर सिद्दीक रोंदे ने किते हजरत फारूक आजम गम नाल निडाल हो गए ने बल्कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने आपने ते तलवार कट लई है खबरदार जिन्हें आखिया अल्लाह दे नबी दा विशाल होया मैं ओदी गर्दन उतार देवांगा इन्ने गम दे निदाल हो गए किते हजरत उस्मान रो रहे ने किते मौला अली मेरे नबी दी जुदाई विच आंसू बहा रहे ने किते हजरत जहरा पाक अपने बाबा दी जुदाई विच रो रही ने मौला हसन ते मौला हुसैन अपनी अम्मा जान दे सीने लग के नाने दी जुदाई विच रो रहे ने मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाली हो किते कोई रोंदा है किते कोई रोंदा है गुलाम ने मेरे नबी दी जुदाई अंदर मस्जिद नबवी रोंदी है मेरे नबी दा मिंबर रोंदा है मेरे नबी दा मुसल्ला रोंदा है हत्ता के ओ उसने हनाना जिदे ते मेरे नबी खुतबा देंदे रहे ने मेरे नबी दी जुदाई विच रोंदा है ओ लोगो मेरे नबी जी जो ऊंटनी ते सवारी फरमांदे ने उस ऊंटनी ने अपने आप नो एक खूह विच गराया है ओदे ते मौत आ गई है ओने भी आखिया जिस दुनिया ते नबी पाक दा दीदार नहीं होना ओथे रह के की करना है मेरे नबी दे गुलाम रोंदे ने मेरे नबी दी निस्बत वाली हर शय आंसू बहांदी है लेकिन वखरा अंदाज हजरत बिलाले हबशी दा हजरत बिलाले हबशी कदे मक्के दियां मदीने दियां गलियां अंदर छोटे छोटे बच्चिया नो सीने ला के आदने बच्चियो मेरे आका नु नीचे वेखिया किते मेरे नबी दे मिंबर शरीफ नो जाके जफे मार देने और जिस जमीन ते जिस मुसल्ले ते मेरे आका नमाज पढ़ा देने मेरे नबी दे मुसल्ले नो बिलाल चुम देने बिलाल दा वखरा अंदाज मेरे करीम नबी दी जुदाई अंदर बिलाल निदाल हो गए ने अला थोड़ा वक्त गुजरिया है चंद दिन गुजरे ने मेरे करीम नबी दे विशाल जारी नो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला न हो हजरत अबू बकर दी बारगाह दे अंदर आए आ के आंदे ने अबू बकर ना मुल्के शाम जाना चाहना इजाजत लेन आया वा हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल तू किते नहीं जाएगा तू इत्थे ही रहना है हजरत बिलाल हबशी दा जुमला सुनना बुखारी दी शरा किरमानी तू पढ़ना चाहना बुखारी दी शरा अल किरमानी वालियां ने लिखिया है हजरत बिलाल आंदे ने ऐ अबू बकर जिन्ना गलियां दे अंदर मेरा सोना नजर नहीं आएगा ओना गलियां विच बिलाल किवें जिंदगी गुजारेगा इना गलियां अंदर मेरा नबी नजर नहीं आंदा इस मस्जिद अंदर मेरा नबी नजर नहीं आता इन्नी ला उरीदुल मदीनता बिदूनी रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अतहम्मलु मकाम रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालियन अनहु हजरत बिलाल आंदे ने ऐ अबू बकर मेरे नबी दा मुसल्ला खाली है मेरे नबी दा मिंबर खाली है गलिया मेरे नबी तो बगैर सुजिया हो गई ने खाली हो गई ने इना गलिया अंदर नबी का दीदार करना सा मिंबर दे नबी पाक नु वेखना सा हुन मेरे नबी नजर नहीं आते मेरा इत्थे दिल नहीं लगता अबू बकर मैनू जान देवो हुन बुखारी दे ऐन बुखारी दी हदीस दे लफ़ज़ पढ़न लगा हजरत बिलाल बोल के आंदे ने या अबा बकर इन कुलता इन्ना मश्तरैतनी लिल्लाही फदानी व इन कुलता इन्ना मश्तरैतनी लिनफ्सी फअमसिकनी
हजरत बिलाल आंदे ने हाय अबू बकर अगर ते तुसा मनु अल्लाह दे नां वास्ते खरीद के आजाद कीता सी फिर जेड़ा वे तुसी मैनू रोक नहीं सकदे फिर मैनू इजाजत दे देवो लेकिन अगर अपनी जात वास्ते मैनू खरीद के आजाद कीता सजे फिर मैं तुहाडा गुलाम हां फिर मैं नहीं जा सकदा फिर तुसी मैनू रोक सकदे हो। हजरत अबू बकर कुल जवाब ही कोई नहीं आप खामोश हो गए ने क्योंकि अबू बकर की सदाकत का ऐलान अल्लाह कुरान विच करदा है वह सयुजन्नबु हल्लत कुल्लजी युती मालहु यतज़क्का व माली अहदिल इंदहु मिन नेमतिल तुर्ज़ा इल्ला बतिगा वजह रब्बिहिल आला व लसौफ यरदा। अबू बकर सिद्दीक ने इजाजत दी है हजरत बिलाल गए ने आखिरी दफा मेरे नबी दी मस्जिद दे अंदर मेरे आका दे मुसल्ले नु चुमी आए मेरे नबी दे मिंबर नु चुमी आए मेरे नबी दे हुजरे नु चुमी आए हुजूर दी कब्र अनवर ते कलावा मार के जत्था मारी आए नबी दी कब्र अनवर नु चुमी आए बिलाल मदीना छड़ी आए मुल्के शाम चले गए ने हुण वक्त गुजरता गया छे महीने गुजरे ने मेरे नबी पाक दी लखत जिगर हजरत सैयदा जहरा पाक आप दा भी साल भी हो गया हजरत बिलाल सुते ने मेरे नबी ख्वाब विच आए ने मेरे करीम नबी दी सही हदीस से मुबारक आए जिन्ने ख्वाब विच मेनू वेखिया उन्ने मेनू ही वेखिया मेरी शबाहत मेरी शक्ल विच शैतान नहीं आ सकदा जिन्ने मेनू वेखिया उन्ने मेनू ही वेखिया मेरे नबी दे गुलामो हजरत बिलाल दे ख्वाब अंदर मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए मेरे आका ने फरमाया बिलाल हालांकि वक्त नहीं आया तुसी मदीने क्यों नहीं आंदे मेरी जियारत लई क्यों नहीं आंदे। हजरत बिलाल उस वेले उठे सवारी ते सवारे घर वाली ने बड़ा रोकिया सुबह चले जाया जे आख्या ना करमा वालिए नबी पाक ने ख्वाब जाके फरमाया है हुण मैं मदीने जाना है। हजरत बिलाल मदीना शरीफ सफर करदियां करदियां जो मदीना तयबा दी जू आई है मदीने दी हद आई है मेरे नबी दे आशिक दा जिक्र सुनन वालियो मेरे नबी दी आशिको मेरे नबी दा कलमा पढ़न वालियो जदू मदीने दी जूई आई है बिलाल मदीने दियां दीवारां नूं चप्पे मार के रोंदे ने मदीने दी मट्टी चुमदे ने मस्जिद नबवी शरीफ अंदर आए ने मेरे आका दे मज़ार ते हाजरी दित्ती है सियापा जमा हो गए मदीने विच रोला पै गया ओ लोगो नबी दा मुअज्जन बिलाल आया है नबी दा मुअज्जन बिलाल आया लोग जमा हो गए अजान का वेला होया आ सारे लोग आते ने बिलाल जड़ी अजान नबी पाक दे सामने सुनाते सो आज अजान सुना दे वो बड़ा वक्त हो गया वे तुहाडे कोलों अजान नहीं सुनी। हजरत बिलाल फरमाते ने ऐ नबी दे गुलामो मेरे बिच हिम्मत नहीं मैं अजान नहीं सुना सकदा। हजरत बिलाल नो बड़े बड़े सियाबा आखिया हजरत बिलाल ने अजान नहीं सुनाई बिलाकर हजरत सलमान फारसी मौला अली ने फरमाया हसनैन नु लेके आवो नबी दे नवासे आनगे जदों ओ बिलाल नु आखणगे बिलाल अजान सुना देंगे। हजरत मौला हसन आए मौला हुसैन आए मेरे नबी दे शहजादे आए मेरे नबी दियां तस्वीरां आ गईयां मेरे नबी दे अब शक्ल आ गए ने आके आखिया चाचू बिलाल जड़ी अजान नाना मुस्तफा ने सुनांदे रहे हो अज सानू भी सुना दवो। हजरत बिलाल जदों नबी दे पुत्रां दी गल सुनी है हजरत बिलाल ना नहीं कर सके आप जिस मुकाम ते खलो के अजान पढ़ते सन उस मुकाम ते खलो के बिलाल ने अजान पढ़ी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
اشهد ان محمد رسول الله اذان پڑی گش کھا کے گر گئے صحابہ حضرت بلال اٹھے ہوش آیا فرمایا بلال اندر اینی ہمت نہیں بلال اذان دیندا سی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لفظاں تے پہنچدا سا سامنے مصطفیٰ دا چہرہ نظر آندا سی اج بلال نو دا چہرہ نظر نہیں آیا بلال گش کھا کے گر گئے بالآخر حضرت بلال پھر ملک شام چلے گئے وقت گزرے آپ دے وصال دا وقت آیا مسکراندے نے چہرے تے مسکراہٹ جنہیں ساری زندگی نبی دے عشق وچ گزاری ہوئے مرن ویلے پھر او دے موت دے ویلے پتا چل جاندہ کہ نبی دا عاشق جا رہے ہیں او دے چہرے تے گھبراہٹ نہیں ہوندی پریشانی نہیں ہوندی غم نہیں ہوندا انہوں پتا ہوندہ ہے میرے نبی دے حدیث ہے نا بخاری شریف دے حضور نے فرمایا جدو بندہ جاندہ ہے نا دنیا تو ادو ہی پتا چل جاتا ہے جدوں چار پائی کندیاں تو اٹھا کے میت نو لے جایا جاتا ہے جنازے گاہ ول حضور فرمایا اگر تے گناہگار ہوے ساری زندگی اونے گناہاں وچ گزاری تے اچھی زندگی نہیں گزاری تے جدوں اونوں چوک کے لے جایا جاتا ہے نا تو او آندا اینا قدیمونی اینا قدیمونی او تواڈے واسطے ہلاکت ہوے مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو وہ ہلاکت ہوے تواڈے واسطے کتھے لے کے جا رہے ہو اس اندھیر کوٹھری وچ لے کے جا رہے ہو لیکن جڑا نبی دا عاشق ہوے نا جڑا نبی جنہیں زندگی نبی دی غلامی وچ گزاری ہوے جنہیں زندگی نبی دے عشق وچ گزاری ہوے میں جدوں او جاندا نا دنیا تو تے او دی چار پائی جدوں کندیاں تے ہوندی اے تے او اے نہیں آندا اینا قدیمونی آندا قدیمونی 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 او یارو بیلیو او ہولے ہولے نہ چلو جلدی لے کے جاؤ اس قبر وچ مینوں جلدی دفن کرو میں سنیا اوتے مصطفیٰ دا دیدار ہونا ہے اسے واسطے اسی آنے ہاں کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی او میں سنیا اوتے سنیونا میں سنیا اوتے سنیونا جدے موٹے کملی کالی بلال دا عقیدہ بھی اے وے میرا تے تواڈا عقیدہ بھی اے وے جڑا عقیدہ کوٹلی لوہاراں دے محدث مولانا بشیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ نے دتا انہاں نے آکھیا جدوں قبر وچ جاواں گے نبی پاک دی تشریف آوری ہوے گی فرشتے بھی آ جان گے تے اسی تے ایہی آکھاں گے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے جو کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھو مر کے پہنچا مر کے پہنچا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے عاشق دنیا تو جاندا ہے پھر پتہ حضرت بلال مسکرا رہے ہیں بی بی نے پوچھا فرمایا پل یہ لوگ کے تینوں نہیں پتا تو تے رو رہی ہیں نا کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں میں ہسنا پیا کہ جس نبی دی جدائی وچ انہا عرصہ گزاریا جس نبی نال قبر وچ ملاقات ہوئی عزیزان گرامی حضرت بلال حبشی دا ملک شام وچ وصال ہویا ان جا اپنے زندگی گزاری دعوت فکر اے وے کہ جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے حضور نال عشق کیتا پیار کیتا آ جاؤ میں تے تسی بھی اپنی زندگیاں نبی پاک واسطے وقف کر دئیے حضور دی غلامی وچ زندگی گزاریے حضور دی محبت حضور دے عشق وچ زندگی گزاریے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے شعر ایک پڑھ لیجیے سارے مل کے بھائی بار بار بھائی جان کہہ رہے ہیں سارے حضرات مل کے پڑھنا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمل رہ جائے گا
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमल जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमल रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसल रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसल रह जाएगा। यूरोप ने मर जाना है, आशिका नु मिटांदिया हर बंदा जेड़ा वे मर जाएगा, ये दुनिया मुक जाएगी, लेकिन मेरे नबी दा दीन हमेशा जिंदा सी, आज भी जिंदा वे, क्यामत तकर जिंदा रहेगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसल रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, आखर ते दावत फिकर के ए प्रोग्राम जेड़ा असीं शुरू कीता, इहदा मकसद है इस्लाह मुआशरा, इहदा मकसद है इस्लाह दीन। हर बयान तो बाद मैं ए दावत फिकर जरूर तुहानू देना, अज भी दे रहा कि असीं सारे नमाजी बन जाए, बाकी सारियां गल्लां बाद विच। हुजूर दी पक्की इस मुहब्बत अपने दिलां च बसा लो और पांच वक्त दा नमाजी बन जाओ। नमाजी बन जावांगे तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। नमाज दी बड़ी अहमियत है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा अच्छी तरह वुजू करके मुसल्ले ते खड़ा हो जांदा है ते अच्छे तरीके दे नाल नमाज अदा करदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब ताला उदे सारे गुनाहों माफ फरमा देंदा। एक हदीस मुबारका तंबीहुल गाफिलीन दे अंदर आज ही मैं पढ़ के आया, बल्कि नुजातुल मजालस दे अंदर और दुर्रतुन नासिहीन दे अंदर भी हुजूर ने फरमाया कि जदू बंदा मेरा गुलाम वुजू करके चंगी तरह नमाज वास्ते खड़ा हुंदा है तो रब ताला फरमांदा, फरिश्तियो ये मेरा बंदा मेरी बंदगी वास्ते खड़ा होया है ते एदे नामे अमाल जो सारे गुनाह उठा लवो, सारे गुनाह उठा लवो। या अल्लाह ठीक है, फरिश्ते सारे गुनाह उठा लैंदे ने। जदों वो बंदा सलाम फेरदा फरिश्ते अर्ज करदे ने, या अल्लाह हुण इहने नमाज पढ़ ली है, हुण गुनाह वापस रख दईए नामे अमाल। रब फरमांदा नहीं फरिश्तियो, इन्हें मेरी बारगाह च सजदा कीता है ते जिवें गुनाह उठाए सन हुण वापस नहीं लुटाने, मैं सारे माफ कर दित्ते ने। इन्नी अहमियत है नमाज की, इन्नी बरकत है नमाज दी, ते असी नमाजी ना बनिए, नमाज ना पढ़िए ते असी कैसे गुलाम हैं नबी पाक। हुजूर ने फरमाया कुर्रा तो इन्नी फिस सलात, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना ते दरख्त की टहनी फड़ के हिलाया तो मेरे नबी फरमाया ऐ मेरे गुलाम, जिस तरह इन फड़ के हिलाया तो पत्ते गिरे ने। जदों बंदा मोमन नमाज पढ़ता मुसल्ले ते खड़ा हुंदा नमाज पढ़न वास्ते ते जिस तरह इस टहनी पकड़ के हजान के मौसम में हिलाया ते तो पत्ते गिरे ने, इस तरह नमाज पढ़न वाले दे नामे अमाल जो गुनाह चढ़ जाए। लेकिन जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर और मोमिन के अंदर फर्क नमाज कर दी। जेड़ा बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता, हुजूर ने फरमाया जेड़ा नमाजी उहदा हशर नेक लोगों के नाल होगा, लेकिन जेड़ा बेनमाजी होगा उहदा हशर फिरौन हारून फिरौन हामान और कारून के नाल होगा। इन्हां जेड़े बड़े बड़े वड्डे खुदाई का दावा करन वाले और बड़े बड़े गुनाहगार ते जहन्नुम दे कुत्ते लोग उन्हां दे नाल बेनमाजी का हशर होगा। असी कित्थे फिरने पे सानू पता ही नहीं, असी नमाजा छड़ने पे सानू को साडे कन्ना ते जूं तक भी नहीं अड़ीं, असी बेनमाजी हाँ। इतनी बड़ी नहुसत है बेनमाजी दी, औलिया और उलमा फरमाते ने कि बेनमाजी बंदे नूं तो कब्रिस्तान में मुसलमाना दे दफन ही नहीं करना चाहिए। इतनी नहुसत है बेनमाजी बंदे दी कि ओदे बेनमाजी होने की नहुसत दूसरे कब्रां वालियां ते भी ना पै जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इक हदीस मुबारका, मेरे नबी फरमाया जेड़ा बेनमाजी बंदा है उन्हूं अल्लाह ताला तरह तरह के अजाबों में मुबतला फरमांदा है, उसकी जिंदगी के अंदर तीन अजाब अल्लाह ताला उन्हें तीन अजाबों के अंदर मुबतला फरमांदा है।
पहला अजाब अल्लाह ताला उदे रिजक विचों बरकत उठा ले। जिन्ने मर्जी पैसे कमाए उदे पैसे विच बरकत नहीं होती। पैसा होवेगा ज्यादा, लेकिन ज्यादा पैसा होना बरकत दी अलामत नहीं। पैसा होवे भावे ना होवे, रब रिजक विचों बरकत उठा ले बेनमाजी दे रिजक विचों। दूसरा मेरे नबी फरमाया जेड़ा बेनमाजी ओदे चेहरे तो ओदी पेशानी तो अल्लाह ताला सालहीन दा नूर दूर फरमा दे। और ईमानदारां दे लोग दिलां दे अंदर उस बंदे दी मुहब्बत नू रब ताला दूर फरमा देंदा है। उस मुहब्बत उस बंदे नू लोग नापसंद कर दे जेड़ा बेनमाजी हुंदा है। रब लोकां दे दिलां विच ओदी नापसंदगी नापसंदीदगी पा देंदा है। ये तीन अजाब दुनिया ते उन्हूं मिलदे ने। फिर जो मौत का वक्त आएगा, नजा का वक्त आएगा, उस वेले तीन अजाब मिलेंगे। पहला मेरे नबी फरमाया कि जदों ओदी रूह निकलन लगेगी तो बंदा इन्ना प्यासा होकर मरेगा कि सारी दुनिया दियां नहरां ते दरियावां दा पानी उन्हूं पिला दिता जाए, ओदी प्यास कदे नहीं बुझेगी। बेनमाजी बंदा फिर ओदी जदों रूह निकाली जाएगी, मेरे नबी ने फरमाया ओदी रूह बड़ी शिद्दत दे नाल निकाली जाएगी, बड़ी तकलीफ दे ओदी मौत होएगी। और तीसरा अजाब नजा दे वक्त मेरे नबी फरमाया ओदे ईमान जायल होंदा डर होवे किते बंदा काफिर होके ना मर जाए। ये तीन अजाब नजा दे वक्त मिलेंगे। फिर तीन अजाब उन्हें कबर विच जाके मिलेंगे, ओदी कबर ओदे ते तारीख कर दित्ती जाए। मुनकर नकीर दे सवालात विच जेड़ा वे ओ शिद्दत होवेगी, सवालात आसान नहीं होवनगे। मेरे करीम आका से सख्त सवालात होंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ऐसे बंदे नु जेड़ा बेनमाजी होवे कबर ओनु इंज जेड़ा वे दबाएगी कि ओदियां दाएं साइड दियां पसलियां बाईं साइड ते और बाईं साइड दियां दाएं साइड ते आ जाए। इतना दर्दनाक अजाब ओनु कबर विच दित्ता जाए। फिर तीन अजाब हुजूर ने फरमाया ओनु आखिरत दे मैदान कयामत वाले दिन दित्ते। वो तीन अजाब मेरे नबी फरमाया ओदा हिसाबो किताब बड़ा सख्त होवेगा, सख्त तरीके नाल ओदे कोलों हिसाबो किताब लिया जाएगा। दूसरा रब ताला क्यामत आले दिन ओदे ते बड़ा नाराज होवेगा। ते जिदे ते रब नाराज हो जाए ओदा फिर की बनेगा। तीसरा मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बदबख्त दोजख दे अंदर सुट दे। ये 12 किस्म दे अजाब बेनमाजी बंदा इन्हां दे अंदर मुबतला हो। 12 किस्म दे अजाब दिते जाएंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों हाथ जोड़ के कह रहे हैं खुदारा नमाजी बन जाओ। ये साडा इत्थे बैठन दा मकसद है वे सुबह उठ के सारे फजर की नमाज जरूर पढ़ो। सुबह ना उठे तो इतने बहन का मकसद पूरा नहीं। सुबह उठ के फजर की नमाज जमात दे नाल पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो। मेरे नबी भी गुंबद खजरा च राजी हो जाएंगे। मेरे गुलाम सन सारी रात मेरा ते मेरे आशिक का जिक्र करते रहे ने। सुबह उठ के मेरी अखा नु ठंडक पहुँचाई नू, मेरे कुरान की तिलावत की नू। मदीने वाला राजी होवेगा, रब राजी हो जाएगा, कब्रो हशर समझ जाएगा। अल्लाह ताला मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हुजूर दी पक्की सच्ची गुलामी, हुजूर दा पक्का इश्क, हुजूर दी पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।